हेलो एवरीवन आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ एक कस्टमाइज केक का वीडियो शेयर कर रही हूँ ये थ्री केजी का केक था और इसके लिए मैंने जो स्पॉन्ज लिया है वो लोअर केक को बनाने के लिए मैंने सेवन इंच केक मोल्ड का यूज़ किया है अपर केक को बनाने के लिए मैंने फाइव इंच केक मोल्ड का यूज किया है सेवन इंच में मैंने दो स्पंज बेक किए हैं लगभग फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड ग्राम बैटर का यूज़ करके और अपर केक के लिए मैंने भी दो स्पंज यूज़ किए हैं वो मैंने फाइव इंच केक मोल्ड में लगभग थ्री हंड्रेड ग्राम बैटर का यूज करके बेक किए थे और टू टू लेयर्स में मैंने डिवाइड किया है जो बड़े केक बनाया है उसके स्पंज को और जो अपर केक बनाया है उसके स्पंज को मैंने एक को थ्री लेयर्स में डिवाइड किया एक को टू लेयर्स में और जब अपर केक के लिए मैंने जो स्पॉन्जेस यूज किए थे वो मैंने चार स्पॉजेज यूज़ किए थे क्योंकि केक का वेट भी ओवर वेट हो रहा था और हाइट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने एक स्पंज को छोड़ दिया था एक स्लाइस को छोड़ दिया था उसके बाद इसका फ्लेवर ब्लैक फॉरेस्ट था उस तो उसके लिए मैंने सोकिंग की है केक की और उसके बाद मैंने क्रीम अप्लाई की है उसके साथ मैंने इसमें चेरी क्रश ऐड किया है उसके बाद मैंने इसमें गनाश ऐड किया है साथ में चौको चिप्स ऐड किए इस तरीके से मैंने चारों लेयर की लेयरिंग कर ली उसके बाद मैंने पाइप इंच के एक मोल्ड के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर मार्किंग की उसके बाद मैंने इसमें इसमें डॉबल्स इंस, इंसर्ट किए उसके बाद मैंने एक बेस प्लेट का यूज़ किया जो बेस प्लेट का मैंने यूज किया है जो नॉन डिस्पोजेबल प्लेट आती है मार्केट में जिसमें हम खाना खाते हैं जो नॉन सॉरी डिस्पोजेबल प्लेट आती है बट जो प्लेट थोड़ी हार्ड वाली प्लास्टिक की होती है जो खराब नहीं होती है उस बेस प्लेट का मैंने कटिंग करके यूज किया है और मिडल में भी एक छेद किया था जिससे कि लास्ट में इंसर्ट कर तो तो ये ये तो हो गई केक केक रिलेटेड बात जो मैं बना रही बता रही बता थी आप सबको ये वाला केक का ऑर्डर मेरे पास पहले से बिल्कुल भी नहीं था रात को 11 बजे इस केक का ऑर्डर आया था तीन के का केक था तो मैंने बहुत जल्दी में इसका स्मॉन बेक किया था रात में ही जिससे कि सुबह मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी और भी बहुत सारे ऑर्डर थे सेम केक के तो ये केक मैंने बहुत जल्दी में बनाया था और जल्दी में बनाने की वजह से इस केक में थोड़ी बहुत मुझसे गड़बड़ भी हुई थी तो जब भी हैवी केक बनाना है तो जो आप आ, पहले ले, लेयरिंग करने के बाद क्रम कोटिंग करते हो वो अच्छे से करनी है अदरवाइज आपका केक जो है क्रैक हो जाएगा और अभी आप सबके साथ मैंने कल ही अपनी स्पॉन्ज रिलेटेड क्लास की डेट और जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी हैं अभी पेज पर मैंने पोस्ट भी क्रिएट किया है जिसको मैंने पिन किया हुआ है स्टोरी भी लगाई थी और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वहाँ मैंने कम्युनिटी पर अपनी जो पोस्ट की डिटेल्स है वो मैंने लगाई हुई है वहाँ पर तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो क्लास ट्वेंटी जुलाई को है और काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्स भी आए हैं बट ज्यादा लोग कंफ्यूज है कि मैं कैसे सिखाऊंगी क्या स्पॉन्ज रहेगा कुछ लोग ये कंफ्यूज है कि स्क्रेच से बना हुआ स्पॉन्ज हार्ड होता है तो अगर ये बात है कि स्केच से बना हुआ स्पॉन्ज हार्ड होता है तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता है सब लोगों को लगता है कि स्केच से बनाया हुआ जो केक होता है वो टेस्टी नहीं होता है कस्टमर के रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं अगर मैं बहुत सारे आप लोग देखते हो मैं केक बनाती हूँ इतने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं तो मुझे इसी रीज़न की वजह से मिलते हैं कि क्योंकि केक जो है खाने में टेस्टी होता है केवल लुक्स को देख भी कोई केक नहीं खरीदेगा अगर आपका खाने में टेस्ट जो केक का टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट होती है और लुक्स और डेकोरेशन की बात है है वो सेकेंडरी होता है. तो इस क्लास में आप लोग काफी ला, सारे लोग ये भी कंफ्यूज है मैं कैसे सिखाऊंगी चार तरीके के स्पॉन्ज तो उसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ चार तरीके के स्पॉन्ज सिखाऊंगी और चारों में अलग अलग रेसिपी बताऊंगी बट जो रेसिपी मैं बताऊंगी उससे आप सिंगल रेसिपी से हर तरीके का केक बना सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज भी यूज कर सकते हो और जो रेसिपीज रहेंगी वो एगलेस रहेंगी चारों ही रेसिपी एक रेसिपी सिंपल रहेगी सेकंड रेसिपी आपकी जो है कंडेंस मिल्क के साथ रहेगी थर्ड रेसिपी कर्ड के साथ रहेगी फोर्थ रेसिपी में बटर और मिल्क मेड और काफी सारी ये चीजें यूज करके इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चार तरीके की रेसिपी है उसके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि परफेक्टली केक को बेक कैसे करना है स्पॉन्ज को मॉइस्ट कैसे रखना है सॉफ्ट स्पॉन्ज आपका कैसे रहेगा जब आप केक बनाते हो तो काफी सारे लोग बोलते हैं केक बनाने के बाद स्क्रैच से बना हुआ केक हार्ड हो जाता है तो उसे भी बनाने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से आपको अपने स्पॉन्ज को स्टोर करना है स्पॉन्ज को किस तरीके से बनाना है बनाने के बाद उसकी उसको किस तरीके से रखना है कि आपका स्पॉन्ज जो है हार्ड नहीं होगा तो ये सारी चीजें क्लास में कवर की जाएंगी तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए और कुछ लोगों को लग रहा है क्लास फ्री है तो क्लास बिल्कुल भी फ्री नहीं है इसकी फीस है और फीस जो है वो एट नाइन नाइन है तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं और आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना दे चुकी हूँ तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और आ, क्लास के बारे में अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तभी मुझे व्हाट्सएप करो क्योंकि बहुत सारे लोगों के वेस्ट में मैसेज आ रहे हैं और उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं और रिप्लाई आ, सिर्फ दो तीन बातें पूछ कर जा रहे हैं हाँ अगर आपकी जो बातें हैं वो अगर रिस्पॉन्ज रिलेटेड चीज़ों से हैं कि आप लोगों को ये जानना है कि मैं क्या सिखाऊंगी कैसे सिखाऊंगी तो वो सारी एकदम आ, आपकी बातें एकदम ठीक है बट अगर आप किसी और ऑफ टॉपिक से लेकर मुझसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है Uh, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का मैं बिल्कुल भी आंसर uh, नहीं करूंगी तो आप लोगों को अगर क्लाइस ज्वाइन करनी है तो आप लोग व्हाट्सएप uh, मुझे करो और उसके बाद आप अपना पेमेंट वगैरह करके उसके बाद आप क, आप लोग अपना स्लॉट बुक कराओ और उसके बाद क्लाइस ज्वाइन करो क्लास में आपकी हर तरीके की क्वेरीज uh, ली जाएगी हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे तो ये केक की मैंने आइसिंग कर ली थी तो ये केक बनाते टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि बहुत बहुत जल्दी का केक था उसके बाद मैं कंफ्यूज भी थी केक कैसा बनाना है उन्होंने बस मुझे मेरी इंस्टाग्राम से मेरे ही एक केक की पिक शेयर करके बता दिया था कि इस कलर कॉम्बिनेशन में ये केक बनाना है आ, बट ये केक मैं बहुत जल्दी में बना रही थी तो लेयरिंग वगैरह मैंने बहुत जल्दी में की थी जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो जो ऊपर वाला केक है वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर भी है मतलब बिल्कुल सेंटर में एकदम परफेक्टली सेंटर में नहीं है बट वो सारी चीज़ें बाद में मैनेज हो जाती हैं तो इसके लिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज किया था मेरे पास ये कलरफुल फ्लावर्स uh, थे जिन्हें फ्लावर्सा कर इस केक को बनाया है और जो कलर शेड थे वो कस्टमर ने क्लाइंट uh, ने खुद ही डिसाइड किए थे कि इस कलर कॉम्बिनेशन में उन्हें केक चाहिए तो उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसकी फाइनलाइजिंग कर दी थी थ्री केजीज का ये केक था और आप लोग बोलोगे थ्री केजीज के लिए मैं ड्रम बोर्ड नहीं यूज कर रही हूँ तो जी हाँ मैं ड्रम बोर्ड नहीं यूज कर रही हूँ बट ये जो मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ ये मैंने दो बोर्ड को स्टिक करने के बाद बाद बनाया है मतलब जो नॉर्मल वाले टेन इंच का जो केक बोर्ड होता है जिस पर आप वन के या टू के का केक बनाते हो उन दो बोर्ड को मैंने फेविकोल से स्टिक किया हुआ है जिसके बाद जो बोर्ड है बिल्कुल ड्रम बोर्ड की तरह ही काफी स्टडी बन गया है और इतना वेट ये बहुत ही इजीली कैरी कर पा रहा है थ्री के जी क्या या थ्री पॉइंट फाइव के और फोर के तक वेट आराम से कैरी कर लेगा कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर के डेकोरेशन के बाद ये था केक का फाइनल लुक और क्लाइंट का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था इस केक को देखने के बाद क्लाइंट को ये केक बहुत 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 ज्यादा पसंद आया था आई वॉज रियली हैप्पी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई टेक केयर